सर ये यहाँ का इस क्या नाम है इसका बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री का? इसका बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री का तो छोटे गोंदबा बोलते हैं। अच्छा, और इसका मतलब सर घुमाने का महत्व क्या है, जो बॉक्स बने इसके अंदर क्या है मतलब? इसका अंदर होता है कि वो बुद्धिस्ट लोग ऐसा मान रहे हैं, वो अंदर जो लिखा हुआ है मंत्र लिखा हुआ है जी, तो इसका मानना है कि ऐसे घुमा रहे हैं जो आपका मन में मनोकामना जी विश्वास है वो सक्सेस होगा। जितना बार घुमाने से आपका वो पाप है वो लोग भी काट जाएगा, ऐसे मानता है बुद्धिस्ट, ऐसा कहता है। तो सर यहाँ का कोई मेन पर्व कोई सीजन में जैसे क्राउड हो या फिर लोगों का ऐसा कुछ यहाँ बुद्धिस्ट का मानना जिसमें ज़्यादा ही क्राउड हो यहाँ पे? ज़्यादा ही क्राउड तो ऐसे समर रिट्रीट होता है, तो मंथली ऐसे होता है, दो बार ऐसे होता है, लेकिन साल में तो ज़्यादा क्राउड तो समर रिट्रीट में क्राउड होता है। एक बार फिर वो जनवरी फरवरी में होता है, फरवरी से लेके वो दस दिन होता है। हम लोग को बोलता है बुद्धिस्ट दुक्षेन बोलता है, वो पूजा आता है, इसमें बहुत क्राउड आता है। आप लोग यहाँ रहते हैं कैसे, यहीं रहते हैं या फिर किसी भी यहाँ आप सेवा प्रदान करते हैं, किस तरीके से यहाँ आपका है? हम लोग तो इधर ही रहते हैं, हम लोग एक्चुअली हम लोग तो भूटान का है। अच्छा। तो इधर हम लोग का गुरु जी तो तिब्बत का है। अच्छा। तो इधर आके हम लोग तो शिक्षा करने के लिए इधर आया है, तो इधर ही रहता है। अच्छा, तो सर यहाँ के जो गुरु जी हैं, जैसे हमारे हिंदू में पंडित बोलते हैं, मुसलमान में मौला बोलते हैं, तो यहाँ बुद्धिस्ट में उनके गुरु को क्या बोला जाता है, कोई उनका पर्टिकुलर कोई? हाँ जी, गुरु का तो नॉर्मली तो सभी को रिम्बोचे बोलता है, टिबेटन लोग को तो रिम्बोचे बोलते हैं, रिम्बोचे बोले तो प्रिशिस ऐसे कुछ होता है इंग्लिश में, तो रिम्बोचे बोलता है। तो पर्टिकुलर नाम तो अलग अलग होता है, लेकिन सभी बुद्धिस्ट का भारत एक गुरु को तो रिम्बोचे बोलता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपसे।